नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक, द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ की। ब्लो मोल्डिंग क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, तो ये हमारा पहला मेन टॉपिक है जो ब्लो मोल्डिंग पे मैं बता रहा हूँ। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस हमने बताई थी, पर एक पैटर्न वे में नहीं समझाया था ब्लो मोल्डिंग, जिस तरीके से हम इंजेक्शन मोल्डिंग समझ रहे थे। तो ब्लो मोल्डिंग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपनी फील्ड पे, तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ ब्लो मोल्डिंग। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ब्लो मोल्डिंग का। ब्लो मोल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ मोल्डिंग इन विच वी मेक हॉलो प्रोडक्ट्स। हॉलो मीन्स बहुत ही सिंपल कि जिन प्रोडक्ट्स के अंदर इस तरीके का, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, ग्लू जो इसमें भरा है वो क्या है, हॉलो है। आप देख सकते हैं हॉलो है, तभी इसके अंदर हम फिलअप कर पा रहे हैं आसानी से। और ये जो है ब्लो मोल्डिंग के द्वारा बनाया गया, इस तरीके से जैसे कि आपके जार होते हैं, जैसे कि आपने जार देखे होंगे, सोयाबीन का जार होता है, रिफाइन का जार, बहुत सारे जिसमें आप कैरी करते हो चीज़ें, जैसे आप ये पानी का जार होता है आपका जिसमें वाटर रखते हो, तो ये सारे जेरी कैंस जिनको हम कहते हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारे जो हैं वो ब्लो मोल्डिंग से बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर हॉलोनेस होता है, इनके अंदर जो है खोखलापन होता है। तो दोस्तों, जिन प्रोडक्ट्स के अंदर मोस्टली ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये जो है ये ब्लो मोल्डिंग से तैयार करी जाती हैं। तो ब्लो मोल्डिंग की जो शुरुआत होती, ये किस कॉन्सेप्ट बेस होती, सबसे पहले क्या बनाना शुरू किया गया था, तो सबसे पहले जो है वो चाइल्ड रैटल्स बनाना शुरू किए गए थे। मतलब खिलौने होते हैं, बेबीज के खिलौने होते हैं, तो इनको बनाना हमने शुरू किया था सबसे पहले। तो ये इसकी शुरुआत जो होती है वो लास्ट 80s में आती, 80 समथिंग में इसकी शुरुआत होती, 1940 के लगभग हमने पहली पीई की बॉटल, पॉली एथिलीन की बॉटल जो है वो बना के तैयार कर ली थी। प्रेजेंटली जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 12-15% जो है, 12-15% जो है हम ब्लो मोल्डिंग का प्रोडक्ट बना के तैयार करते हैं। तो ब्लो मोल्डिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे ब्लो मोल्डिंग का इस्तेमाल होता है। तो ब्लो मोल्डिंग जो है वो बहुत सारे टाइप से भी आती है। अब बहुत सिंपल है, पहले टाइप जानने के पहले जान लेते हैं कि ब्लो मोल्डिंग का प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो बहुत आसान होता है, ब्लो मोल्डिंग में क्या होता है कि दो तरीकों से प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक होता है हमारा पैरिजन के द्वारा और एक होता है हमारा प्रीफॉर्म के द्वारा। आप समझ रहे होंगे पैरिजन क्या है, प्रीफॉर्म क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा पैरिजन और इधर जो है हमारा वो है प्रीफॉर्म, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप समझाते हैं कि पैरिजन में क्या होता है, पैरिजन में क्या होता है, पैरिजन जो है वो कंटिन्यूअस जो है आपका, जैसे मॉल्टन मटेरियल जैसे निकलता है उसी तरीके से वो कंटिन्यूअस निकलता रहता है, उसका जो वो होगा हीटेड मॉल्टन टाइप का शेप होगा। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर हम एयर को ब्लो कराते हैं, मोल्ड के अंदर उसको हम इंसर्ट करा के एयर उसमें ब्लो कराते हैं, तो वो मोल्ड का शेप ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है बहुत आसान। लेकिन जो प्रीफॉर्म होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, प्रीफॉर्म को हम क्या करते हैं, पहले ही हम इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बना के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम प्री हीट करते हैं। प्री हीट करना मतलब इसको हम दोबारा से इसमें हीटिंग देते हैं, जब प्री हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्टनिंग हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग होते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एयर ब्लो कराते हैं। जब हम इसमें एयर ब्लो कराते हैं और इसको जो है मोल्ड का शेप दे देते हैं, तो ये जो है सिंपली आपका जो है प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। जैसे कि आप पानी की बॉटल देखते हो, जो आप पानी की बॉटल पीते हो, बिस्लरी, किनले या जो भी ब्रांड के आप पीते हो, तो ये सारे जो हैं ये प्रीफॉर्म के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें जो है पहले हम प्रीफॉर्म बना के तैयार कर लेते हैं, उस प्रीफॉर्म को हम प्री हीट करके ब्लो करा के प्लास्टिक के बॉटल का शेप दे देते हैं मोल्ड के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरीके से ब्लो मोल्डिंग काम करता। अब बात करते हैं ब्लो मोल्डिंग कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि ब्लो मोल्डिंग के टाइप क्या क्या हैं, कितने टाइप के ब्लो मोल्डिंग होते हैं। तो यूजुअली जो ब्लो मोल्डिंग है वो चार टाइप्स के होते हैं, मतलब कि जो हम मानते हैं जिनको ओवरऑल, वो फोर टाइप्स के ब्लो मोल्डिंग होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। तो एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, जैसा कि इसका नाम है, एक्सट्रूजन प्रोसेस, एक्सट्रूजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब इसमें आपका कंटिन्यूअस पैरिजन बाहर आता जाएगा, आप प्रोडक्ट बनाते चले जाओगे, तो ये होता है एक्सट्रूजन जो है ब्लो मोल्डिंग में। दूसरा है आपका
इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, इसमें इंजेक्ट करा के हम ब्लो कराएंगे इसलिए इसका नाम इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग है। तीसरा स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, इसमें हम प्रीफॉर्म को स्ट्रेच करा के जो है ब्लो करा के प्रोडक्ट तैयार करेंगे इसलिए ये स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग में आ जाता है। और लास्ट है मल्टी लेयर ब्लो मोल्डिंग, कई प्रोडक्ट जिसमें हम मल्टी लेयरिंग करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर शेड्स या और लेयरिंग के तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं वो हम मल्टी लेयर ब्लो मोल्डिंग में सीखेंगे। तो दोस्तों ये जो आगे जो वीडियोस आएंगे इसमें हम एक एक चीज़ों को डिटेल में समझ लेंगे, बहुत तरीके के इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत तरीके के ब्लो मोल्डिंग्स आएंगे कि क्या टाइप है कैसे होता है ये सारा मैं आपको समझा दूंगा। आपको ये ब्लो मोल्डिंग बहुत आसान टॉपिक है और आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों नए हो पुराने हो चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, बेल की घंटी दबा दो, ज्वाइन कर लो हमें, ज्वाइन वाला बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, उसमें ज्वाइन करके जुड़ जाइएगा प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक से। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेके, कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए।